अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एक अटल सेवा केंद्र में। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में 750 यानी कि 750 ऐसे CHCs हैं, अटल सेवा केंद्र हैं। इनसे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली करनाल वालों के लिए, जो लोग वैक्सीन लगवाने की सोच रहे थे, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था लेकिन उनके अपॉइंटमेंट उनके पास नहीं आ रही थी, यानी कि स्लॉट्स का वो वेट करते थे कि आखिर जो पोर्टल है वो किस समय खुलेगा। कई लोग शाम को 5 बजे बैठ जाते थे पोर्टल खुलने के इंतज़ार में, कई लोग 6 बजे बैठ जाते थे, यानी कि एक लंबे समय का इंतज़ार जो लोग कर रहे थे अब वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं बड़ी जानकारी करनाल वालों को देना चाहती हूँ कि अब जो करनाल के CMO हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है कि सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि अपॉइंटमेंट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी आपको अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब आपको वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन लगवानी है, वैक्सीन लगवानी है, चाहे मैं कोविशील्ड की बात करूं या कोवैक्सीन की बात करूं, दोनों वैक्सीन इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, दोनों वैक्सीन ही लाभकारी भी हैं। अगर आप कोविशील्ड भी लगवा लेते हैं, कोवैक्सीन भी लगवा लेते हैं, तो दोनों की दोनों आपके लिए लाभकारी हैं। और करनाल की मैं बात करूँ तो कोविशील्ड यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि जो करनाल के CMO हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब शाम 7 से 8 बजे तक एक फिक्स टाइमिंग रख दिया है जिसमें आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। यानी कि अगर आपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली थी और अब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, आप कभी 5 बजे पोर्टल खोल कर देखते थे, कभी 6 बजे खोल कर देखते थे, तो अब आपको करनाल वालों को, करनाल डिस्ट्रिक्ट वालों को अब आपको 5 या 6 बजे पोर्टल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 7 से 8 बजे के बीच में पोर्टल खुलेगा और उस समय आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि किस वैक्सीनेशन सेंटर में आपको किस दिन जाना है। और अगर जिस भी आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं और जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो ज़रूर लेकर जाएं, चाहे आपके मोबाइल में जो माफ़ कीजिएगा जो स्लिप आएगी अपॉइंटमेंट स्लिप वो आप दिखा सकते हैं अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। तो दूसरी जानकारी जो मैं अटल सेवा केंद्र के बारे में आपको देना चाहती हूँ वो ये निकल कर सामने आ रही है कि अब करनाल जिले के जो 750 अटल सेवा केंद्र हैं इनमें भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होनी अब शुरू हो जाएगी। ये जानकारी कल निकल कर यानी कि 19 मई को निकल कर सामने आई है। वहीं मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अंदर वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि अटल सेवा केंद्र की बात करूँ तो कोरोना काल में लॉकडाउन में अटल सेवा केंद्र वालों को जो असेंशियल सर्विसेज में आते हैं इनको खुलने की परमिशन है। इनका जो समय है चाहे वो 10 से 2 बजे तक का हो या 10 से 5 बजे तक का हो, जब तक ये खुले रहेंगे इनके अंदर भी अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी। हालांकि हमारे अंदर बातचीत हुई है लेकिन उनका ये कहना है कि अब तक तो उनके पास ये जानकारी आई नहीं थी, लेकिन अब ये जानकारी उनके पास पहुँच चुकी है। जो अंदर वर्कर्स हैं, कुछ वर्कर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जिनको पता होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वो वर्कर्स तो कर लेंगे लेकिन कुछ वर्कर्स को किस तरीके से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और कल से तमाम जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के 750 अटल सेवा केंद्र हैं इनमें रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी करनाल वासियों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद से, जिनके पास मोबाइल नहीं होते, जो गांव में रहते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग अब अटल सेवा केंद्र में, क्योंकि गांव में भी हैं, हर जगह हैं, करनाल जिले की बात करूँ 750 हैं तो अपने अपने गाँव के नज़दीक जो भी CHC पढ़ता है, जो भी अटल सेवा केंद्र पढ़ता है, वहाँ पर जा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और अपना फ़ोन नंबर, यानी कि आप अपना फ़ोन साथ में लेकर जा सकते हैं जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। एक नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर किसी के परिवार में 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर से होगा और उसके बाद
पोर्टल पर मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 7 से 8 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिया गया है, उस पर आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में जो अपॉइंटमेंट स्लिप हो वो आपको अटल सेवा केंद्र से भी मिले, ये बड़ी जानकारी हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी थी वो यही थी कि तो जो तमाम 750 अटल सेवा केंद्र है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।